आप देख रहे हैं समाचार प्लस, मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और खबरों का, भारतीय जनता पार्टी ने हरीश रावत के एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत का कहना है कि बतौर मुख्यमंत्री हरीश रावत जन आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं, जिनके मद्देनजर बीजेपी आज पूरे उत्तराखंड में धरना देगी और इसी के तहत पार्टी कार्यकर्ता राज्य के सभी ब्लॉक जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। रावत का दावा है कि मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के पहले साल में पूरी तरह लोगों को निराश किया है। तो एक साल पूरा हो गया है रावत सरकार के लिए और इसी के बाद दरअसल बीजेपी ने प्रदर्शन का ऐलान भी किया है और कहा है कि पूरे प्रदेश में जिला ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि जो रावत सरकार है वो किसी भी तरह से आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है लोगों की। सिद्ध वो आंदोलन की दिशा एक समिति थी और अभी उसकी एक बैठक भी हुई थी और बच्ची सिंह राव जी जो अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में बैठक हुई है और कुछ तय हुआ। कल पूरे प्रदेश के अंदर जिला हेडक्वार्टरों में शहरों में धरने और प्रदर्शन सरकार के एक साल के कामकाज का जो लेखा जोखा उसका मांगेंगे और डीएम के माध्यम के द्वारा राज्यपाल को महामहिम साहब को भी ज्ञापन भेजेंगे जिलों से। तो ये कार्यक्रम कल रहेगा, आगे के कार्यक्रम भी तय कर रहे हैं। जहां और बता दें आपको, आज बीजेपी पूरे प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन करने वाली है रावत सरकार के खिलाफ। हमारे संवाददाता राहुल सिंह रावत देहरादून से जुड़ रहे हैं। राहुल, आज प्रदर्शन के तौर पर उतरेगी हर जिला ब्लॉक स्तर पर बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कौन से मुद्दे के साथ प्रदर्शन करने वाली है बीजेपी? देखिए प्रशांत, भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि हरीश रावत सरकार का जो एक साल का कार्यकाल है उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करना है। वजह यह बताई गई है कि जो सरकार है वो विकास के मोर्चे पर, जनता की आकांक्षाओं के मोर्चे पर कसौटी पर खरी नहीं उतरी है। इसलिए पार्टी ने ऐलान किया है कि पूरे प्रदेश में, चाहे वो जिला मुख्यालय हो, तहसील मुख्यालय हो या ब्लॉक मुख्यालय हो, वहां पर पार्टी के कार्यकर्ता धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे। उसके अलावा जो भी संबंधित अधिकारी है स्थानीय स्तर पर, उनके जरिए एक ज्ञापन दिया जाएगा जिसमें ये जो सरकार की विफलताएं हैं उसको इंगित किया जाएगा। बीजेपी का आरोप है कि सरकार हरीश रावत सरकार पूरी तरह से फेल रही है, चाहे वो कानून व्यवस्था की स्थिति हो या विकास की स्थिति हो या आपदा का मोर्चा हो, जो सारे मोर्चे जो अलग अलग जो मामलों में बीजेपी सरकार पूरी तरह कांग्रेस सरकार फेल रही है। इसलिए बीजेपी ने ऐलान किया कि आज जब हरीश रावत सरकार का पूरा एक साल हुआ है तो पूरे प्रदेश में धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है, ताकि जनता के बीच उनके हिसाब से मैसेज चला जाए कि सरकार काम नहीं कर रही है और उसके खिलाफ लोगों के बीच में ये ले जा रही है और जो केंद्र की सरकार है वो काम करना चाह रही है, लेकिन सरकार उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, तो एक साल पूरा हो गया है रावत सरकार के लिए और उसी के मौके पर बीजेपी पूरे प्रदेश स्तरीय धरना देने की तैयारी में है और साफ कर दिया है कि आखिरकार प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है रावत सरकार, जिसके चलते वो प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन करने वाले। शुक्रिया आपका राहुल इस पूरी जानकारी के लिए, लेकिन सवाल यह है कि आखिर जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी जा रही है क्या जनता भी उनसे सहमत है? ऐसे बहुत सारी बातें देखनी होगी और देखना होगा कि क्या जनता भी बीजेपी के साथ खड़ी होती है। और रावत सरकार हालांकि लगातार राजनीतिक झंझावातों में फंसी नजर आई है,